तो नमस्कार जी, मैं आपका सामने सबसे पहले परिचय करना चाहता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन में राइट हैंड साइड में अपना डिप्टी मेयर साहब हैं ब्रीवासन जी, और साथ में हमारा सीनियर कॉरपोरेटर है, अपना वार्ड नंबर 13 से आता है हमारा तमुक तागिंग जी। हम लोग तीनों यहाँ आपका स्क्रीन के सामने आज इसलिए आया कि आज हमारा 9th बिजनेस मीटिंग, जो नॉर्मली असेंबली मीटिंग करके जानता है, कि ईटानगर के लिए आज हम लोग 9वां बिजनेस मीटिंग में क्या चर्चा किया। खास करके बहुत दिन से जो सरदर्द हो रहा था, हम लोग जब से हम लोग तीनों अपना कॉरपोरेटर बंधु के साथ बैठ के, हम लोग को सबसे बड़ा सीरियस इशू लगा गार्बेज इशू। गार्बेज जो हॉलीडेज में पिकिंग नहीं होता है, और अपना संडे में हम लोग पिक नहीं कर पा रहा था। उसका ये इशू था कि सबसे पहले तो हम लोग का मैन पावर का इशू था और मशीनरी इशू था। अभी हम लोग हालांकि सारा मैन पावर इशू और मशीनरी इशू को रेस अप उस लेवल में हम लोग नहीं किया, लेकिन हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरशिप का लीडरशिप में और फाइनेंस मिनिस्टर जो DCM भी है चौनामेन सर, दोनों ने ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को डिप्टी मेयर साहब हम दोनों किया था। हम लोगों को इस वर्ष से 6 करोड़ रुपया स्टेट का जो ग्रांट एंड एड है कॉरपोरेशन को चलाने के लिए दिया। इसलिए हम लोग अभी आज इन प्रिंसिपल, हाँ ये वोट एकदम क्लियर कोट कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल हम लोग निर्णय लिया। फाइनल हम लोग उंगली जमा हम लोग अभी बताएंगे। ये निर्णय लिया कि हम लोग संडे को भी और अदर हॉलीडेज को भी हम लोग अपना मैन पावर को मैनेज करके हम लोग गार्बेज का सफाई करेंगे, गार्बेज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। वी आर कमिंग विथ 2-3 थिंग्स मैकेनिकली। मैनुअली तो हम लोग पहले से कर रहा था, पब्लिक आपका माध्यम से सुन लीजिए। हम लोग मैकेनिकली हम लोगों को पास अभी कंपेक्टर लाया, स्वीपर मशीन आया। अभी हम लोग नेशनल हाईवे को ऐसा दो बड़ा बड़ा मशीन खरीद लिया, वो जितना 415 को हम लोग अभी आइडेंटिफाइड करके एक बड़ा बड़ा कंटेनर स्टील का आयरन का कंटेनर रख देंगे, जहाँ रेंडमली नहीं फेंक के एक टाइमिंग में आप लोग फेंकेगा। तो हमारा वो कंपेक्टर जो है वो ऑटोमेटिक है, वो मैन्युअली मेन पावर नहीं डालेगा। वो मशीन जो है अभी पहुंच गया हम लोग ईटानगर में। हम लोग सिर्फ वो कंटेनर के लिए रुका हुआ है, वो आपको आप लोगों को तब फिर दोबारा से बुलाएगा। पब्लिक आपका नोटिस में हम लोग ये बताना चाहता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 20 मेंबर्स इलेक्टेड टीम ने हम लोग स्वीपिंग करके डेली मेन पावर को आजकल आप लोग देख सकता है, यहाँ से जाके वार्ड नंबर 1 तक सफाई करता है, लेकिन नहीं होता है। इसलिए पेमा खांडू साहब और अपना DCM साहब दोनों जो पैसा फंडिंग किया, उसको हम लोग मशीन खरीद लिया, वो है हमारा कंपेक्टर स्वीपर। दूसरा हम लोग कहीं में इमरजेंसी, अभी जब नाला यहाँ में मोटरेबल नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकता है, हम लोग ऐसे किया, अभी ये निर्णय लिया कि हम लोग का गाड़ी को यहाँ रखेगा, वहाँ से एक्सटेंडेड पाइप जाके कहीं में जो चौक हुआ वहाँ से हम लोग स्वीपिंग करके पानी को निकालेंगे, क्योंकि समर आ रहा है। समर आने से बहुत जगह अभी जगह जगह में पानी चौक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसका भी हम समाधान निकल चुका है। दूसरा इधर आपका, आप लोग बहुत दिन से देख रहे हैं हमारा पास दो चीज़ है, सेवरेज प्लान और सेप्टिक प्लान। सेप्टिक प्लान इधर में चिंपू साइड में है, सेवरेज प्लान डाउन द लाइन नाहरलगन में है। तो हम लोग का जब स्वास्थ्य का सर्वेक्षण होता है सारा देश में, तो ये तीन चीज़ होना पड़ता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेवरेज प्लान एंड सेप्टिक प्लान। और सेप्टिक प्लान को ईटानगर का हम लोग सेप्टिक प्लान को हर सेप्टिक से हम लोग चॉकिंग करके ले जाए, चॉक करेंगे उसको, खींच के मैकेनिकली खींच के उधर उधर में जाके हम लोग ये करेंगे, क्योंकि वो NGT और हम लोग का पोल्यूशन बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी पानी जो है डिस्चार्ज जो नेचुरली होने से भी स्ट्रॉन्ग वाटर भी दूषित नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। ऐसे करके हम लोग ने जितना सका ये टीम जो है 24/7 जितना सका है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में हम लोग हमेशा से अपील करता है कि आप लोग भी साथ रहेगा, पब्लिक भी साथ देना है, ये हम लोग से आप लोग से ये करता है। दूसरा, सरकार ने और एक बार हम लोग को एक ऑफर दिया है
कि हमारा यहाँ ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो बहुत परमानेंट है, लेकिन हमारा पास मिनिस्ट्रियल स्टाफ नहीं है। आज हम लोग ये भी निर्णय लिया कि अपना पेमा खांडू जी हम लोग को आश्वासन दे दिया, और यहाँ में हमारा DCM साहब ने आश्वासन दिया, तो उसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए लास्ट टाइम हमारा जब यहाँ ओपनिंग हुआ था यूडी मिनिस्टर ने भी हाँ कर दिया, हम लोग मैन पावर रेस कर रहे हैं। इसको जल्दी ही हम लोग इंटरव्यू कॉल करेगा और अपना एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली प्रॉपरली करेगा, ऐसे करके हम लोग मैन पावर बढ़ाएगा। उसमें दो चीज़ आ रहे हैं, एक हमारा पावर इन्हेंसमेंट में भी कमिटेड और काम करने वाला आदमी को हम लोग लेंगे, इसलिए हम लोग का सैनिटेशन का जो डेली करना है, हॉलीडे में भी हम लोग गर्बेज नहीं रुकना चाहिए, वो डिसीजन हम लोग ले लिया। आस्ते आस्ते हर चीज़ एक दिन में फटाफट नहीं होगा, हमने अब इन प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया। आगे हम लोग ये टीम जाके कम से कम ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत माने हम लोग चांद तारा जैसे कैपिटल को चमक दे नहीं सकने से भी हम लोग पूरा फुल ऑन ताकत दे रहे हैं। पब्लिक को भी हम लोग दिल से नमन करता है, पहले जैसे नहीं है, खास करके प्रेस वाला लोग भी हम हमेशा दिल से आप लोगों को ये करता है, तहे दिल से शुक्रगुजार करता है कि आपका रोल भी बहुत ही तगड़ा है, हमारा साथ दे रहा है, भरपूर साथ दे रहा है, इसलिए आप सबको हम लोग दिल से रेस्पेक्ट कर रहा है और अच्छा लग रहा है। और हम लोग ने आज इम्पोर्टेंट निर्णय लिया कि ईटानगर में बहुत जगह जगह में अनयूज जगह है, अलग अलग डिपार्टमेंट का जरूर है लेकिन उसका मालिक नहीं है, मालिक नहीं होने के वजह से वो लोग जो है इंक्रोचमेंट बहुत है इंक्रोचर लोग। तो हम लोग सरकार को भी चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग ये अपील करेगा जितना वेकेंट लैंड है जितना अनयूज लैंड है उसको हम लोग पार्किंग बनाएंगे, उसको हम लोग रेवेन्यू अर्निंग सोर्स बनाएंगे, अलग अलग सिद्धांत का माने पब्लिक का फायदा के लिए बोले। और एक स्पेशल टच हम ये देना चाहता है हमारा ओपन डेफिकेशन नहीं करने के लिए। देखिए अभी बहुत जगह हला गुला हो रहा है, गंदा पानी मिलता है, पीने में गंदा तकलीफ हो रही है, हम लोग चाहते हैं कि ईटानगर में बहुत हद तक हम लोग को कंट्रोल करना है। तो हम लोग जब इलेक्ट होके नहीं आया है, जैसे 4-5 मेंबर और 2 मेंबर जुड़ गया, वो लोगों को भी आप बता दीजिए कैमरा में कि पहला ऑफेन डेफिकेशन नहीं होना, ये सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि स्वास्थ्य होना है हमारा भारत, और हम जो है हेल्दी होना है, हेल्दी होने से हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट है, तो फ्यूचर को ब्राइटन बनाने के लिए तो अपना हेल्दी होना है हमारा यूथ जो है। तो इसलिए हम लोग जो स्वच्छता का एक बड़ा स्टेप है कि ओपन डेफिकेशन नहीं करना, बाथरूम टॉयलेट जो ओपन नहीं जाना है, इसका चलते पहला वाला लोग जो है 46 बनाया करके बोला, लेकिन हम लोग अभी वर्कआउट किया तो 28 जो है ऑपरेशनल है, ये चलेगा। इसलिए आप लोग का माध्यम से अभी हम इन रिटर्न भी एक पब्लिसिटी निकालेगा, आप लोग भी अपना दोष होने से काइंडली बता दीजिए, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है इसको हम लोग आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग एक अनएम्प्लॉयड यूथ का भी एक ये हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा, अपना कॉरपोरेशन का भी काम होगा, पब्लिक यूटिलिटी भी आएगा। दूसरा हम लोग पार्किंग जो अपना जो पार्किंग हम लोग जिसको रेगुलेट करने जा रहे हैं, जो पार्किंग हम लोग बना के दे रहे हैं, जो बना के नहीं दे रहा कोई अलग बात है, जो बना के दे रहा है उसको भी हम लोग आउटसोर्सिंग करेगा, क्योंकि नॉर्मली अरुणाचल का ट्रेन ऐसा है कि अरुणाचल का ट्रेन अलग है, डिपार्टमेंट वाला करता है तो थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, सब करप्शन फ्री बोलता है, पेमा खांडू जी हमेशा से बोलता है करप्शन नहीं करना है, तो हम लोग उसका एक्टिव सपोर्टर होने के नाते, एक्टिव बिलीवर वर्कर सिपाही होने के नाते हम लोग भी चाहता है कि ये भ्रष्टाचार और ये करप्शन ना हो, इसलिए इसको जैसे भी सीमितने के लिए कम करने के लिए ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये सिद्धांत है, ये डिसिप्लिन है हम लोग का, ये प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है एक तहत में। तो कुल मिला के ये 2-4 पॉइंट को आपको बता दिया, आज हमने यूनिनेमसली इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया, इन अदर हॉलीडेज ऑल्सो इवन ऑन संडे वी विल स्टार्ट वर्किंग, आस्ते आस्ते शुरू होगा लेकिन हम लोग जरूर काम करेंगे। इंटायर जितो स्ट्रेच 415 का जो अभी बना हुआ स्ट्रेच है उसको ड्रेनेज को अभी अपना बार बार आपको बता रहा है, पहले जो एश्योरेंस दिया था अभी हाल ही में लास्ट सैटरडे में तो मिनिस्ट्री से कॉल आ गया अपना डायरेक्टर को, हमारा इंटीग्रेटेड 293 करोड़ का जो ड्रेनेज सिस्टम को भारत सरकार ने एक्सेप्ट करके हम लोग को वो ग्रांट को माने फाइनल कर दिया, ये अभी लेटेस्ट खबर आप लोगों को बता रहा है।